नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, क्या लगता है सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मुझे लगता है सफलता के लिए सबसे जरूरी है विनिंग एटमॉस्फेयर। अगर सफल होना चाहते हो ना, तो अपना आसपास, अपना वातावरण जबरदस्त रखिए। बीज की क्या गलती अगर मिट्टी ही खराब है? पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर विनिंग स्टोरीज बनाता है, सक्सेस स्टोरीज को बनाता है। आप लोगों को याद होगा, जब सचिन के साथ कुंबले, जावगल, श्रीनाथ भी खेलते थे ना, वो भी 30, 40, 50, 60 बना ही लेते थे, क्योंकि उस तरफ सचिन खड़ा होके बोलता था, मैं हूं ना, आप खेलो। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और जो भी क्रिकेट के बड़े नाम, जिनको हम भगवान बोलते हैं क्रिकेट का, सोचिए वो अगर कीनिया में पैदा होते तो, वो अगर जिम्बाब्वे में पैदा होते तो, वो अगर आयरलैंड में पैदा होते तो, सोचिएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको लेके जाता हूं कालखंड में, द्वापर युग। एक कहानी सुनाता हूं महाभारत की। उसमें एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी, आप सबने सुनी भी होगी, आप सबने पढ़ी भी होगी। मैं बात कर रहा हूं अभिमन्यु वध की। कहते हैं महाभारत के पूरे युद्ध में 1 करोड़ से लोग ऊपर मर गए थे। चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है। किंतु मैं उसमें से निकलने का मार्ग नहीं जानता। और अभिमन्यु को जब मारा तो चक्रव्यूह रचा, घेर के मारा गया। बड़े बड़े लोग थे जो इन्वॉल्व थे अभिमन्यु को मारने में। तो युद्ध था, सब चलता है, रणनीति का हिस्सा था। अभिमन्यु मारा गया, पर मरे हुए अभिमन्यु को जयद्रथ नाम के एक बंदे ने लात मारी। अब इतिहासकार बोलते हैं तब अर्जुन वहां पे थे नहीं, कहीं और गए थे। और जब अर्जुन लौटे तो देखा बेटा मर गया है। हमारा अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ है। थोड़ा इमोशनल तो हुए, पर उनको इस बात का बहुत बुरा लगा कि अभिमन्यु को, एक वीर को लात मारी एक मरे हुए शरीर पर। अब उनका खून खौल उठा। अर्जुन ने उसी समय एक शपथ ली कि अगर कल शाम तक मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया ना, तो मैं अपने आप को मार लूंगा। वत्स, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया, तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अब ये बात सुनकर पांडवों में हड़कंप मच गया। पांडवों को लगा कि अगर जयद्रथ को पूरे दिन में नहीं ढूंढ पाए और अर्जुन चला गया, तो पांडवों का जो पाला है वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा। कौरव खुश, क्योंकि अब जयद्रथ को एक ही दिन बचाना है। अब कौरव भी छोटे मोटे तो थे नहीं, भगवान से युद्ध लड़ रहे थे। उन्होंने जयद्रथ को छुपा लिया। कल पूरी कौरव शक्ति आपको अर्जुन के वाणों से बचाने के लिए खड़ी होगी। अर्जुन तो फिर भी केवल एक योद्धा है। कल तो आपकी ओर आते हुए यमराज भी भयभीत होकर अपनी दिशा बदल देंगे। ये निर्णायक घड़ियां हैं दुशासन। यदि आज सूर्य अस्त हो गया और तब तक अर्जुन सिंधु नरेश का वध नहीं कर सका, तब तो उसे अग्नि समाधि लेनी ही पड़ेगी।
और यदि इस रणभूमि में अर्जुन ही नहीं होगा तब इस युद्ध में हमारी विजय निश्चित है। यदि जयद्रथ आज बच जाए तो फिर यह युद्ध भी आज समाप्त हो जाए, क्योंकि अर्जुन तो अपने वचन का धनी है, वो अवश्य ही अग्नि समाधि ले लेगा। हे सूर्यदेव, आज शीघ्र ही अस्त हो जा। अब अर्जुन और कृष्ण सारा दिन जयद्रथ को ढूंढते रहे, युद्ध चलता रहा, पर जयद्रथ मिला नहीं। केवल एक ही दिन में मेरे 21 पुत्रों के शव देखकर भी सूर्यदेव का जी नहीं भरा। क्या भी आज मेरे शेष पुत्रों के शव देखे बिना अस्त ही नहीं होंगे? अब सूर्यास्त होने ही वाला है महाराज। अब संध्या काल होने को था और अर्जुन अब उम्मीद छोड़ रहा था, उसके कंधे झुकना शुरू हो गए थे। तो अब कृष्ण भगवान ने अर्जुन की तरफ देखा, कौरवों की तरफ देखा, और उन्होंने सूर्य को इशारा किया और सूर्य बादलों में छुप गया। सबको लगा सूर्य अस्त हो गया। तो पांडवों ने पूछा, भगवान ये क्या किया? अब जो कृष्ण भगवान ने बोला वही जीवन का सबसे बड़ा सार है दोस्तों। उन्होंने बोला, माहौल बना रहा हूं, विनिंग एटमॉस्फियर बना रहा हूं। अब कौरवों ने देखा सूर्य अस्त हो गया तो उन्होंने जयद्रथ को आगे कर दिया। अर्जुन, तुम अग्नि समाधि ले लो। अब अर्जुन घुटनों के बल बैठा, गांडीव नीचे गिरा हुआ। अब जयद्रथ उनको गालियां दे रहा है क्योंकि उसने देख लिया सूर्य अस्त हो चुका है, अब कोई युद्ध तो करेगा नहीं। अग्नि समाधि कब लोगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, बताओगे नहीं? अब जैसे ही जयद्रथ की गालियां शुरू हुई, भगवान ने सूर्य को इशारा किया, सूर्य भगवान फिर से प्रकट हुए। अर्जुन ने सूर्य को देखा, जयद्रथ को देखा, कृष्ण भगवान को देखा और कृष्ण भगवान ने बोला, देखता क्या है, उठा गांडीव, मार दे इसको। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है पार्थ, वो रहा सूर्य और ये जयद्रथ। जयद्रथ, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया, सर से अलग कर दिया धड़ को। अब इस स्टोरी में अगर अर्जुन चाहे तो वो सोच सकता है कि जयद्रथ का वध उसने किया, और कोई बुराई भी नहीं है ये सोचने में, पर क्या वाकई उसने वध किया? माहौल किसने बनाया? विनिंग एटमॉस्फियर किसने बनाया? भगवान श्री कृष्ण ने। तो जरूरी है, सबकी परफॉर्मेंस तभी अच्छी आ सकती है अगर विनिंग कल्चर होगा, विनिंग एटमॉस्फियर होगा। अपनी कंपनियों में, अपने घरों में एक विनिंग एटमॉस्फियर बनाइए, फिर देखिए कैसी परफॉर्मेंस आती है। बहुत बड़ा परफॉर्मर भी बेकार साबित होता है अगर कल्चर अच्छा नहीं हो, विनिंग नहीं हो। और एक ऑर्डिनरी आदमी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है अगर कल्चर सक्सेस का हो, अगर कल्चर विनिंग का हो। तो दोस्तों, आज सब एक प्रण लीजिए कि हम एक ऐसा कल्चर बनाएंगे जहां पर हर इंसान इतना अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि आपने उसको एक विनिंग कल्चर दिया है, एक विनिंग एटमॉस्फेयर दिया है। Tony finishes off in style, a magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years and it is an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।